नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता देंगे, यह एक दिव्य शक्तियाँ की घर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह देखकर आप खुशी से झूठ उठोगे, क्योंकि दोस्तों अपने अपने जीवन में पहले कभी भी ऐसा घटना होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा होगा जो इस बार देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा चमत्कारी घटना आपकी आंखों के सामने होगी और यह घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। ये घटना कोई ऐसी वैसी घटना नहीं, बल्कि आपकी तकदीर में लगे दाग को मिटाने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी और वह भी इतना जल्दी कैसे मिल जाएगी। आपको यकीन भी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आने वाली है, वह खुशियाँ यह माता रानी के द्वारा मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप रातों रात मालामाल हो जाओगे। आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकेगी, क्योंकि आपने जो पुण्य किए हैं, वहाँ आपका सबसे बड़ा फल है। दोस्तों, कार्य करते रहना आपका फर्ज और फल देना माता का फर्ज है, इसलिए दोस्तों आप अपना कार्य करते जाएं, फल का टेंशन मत लेना, क्योंकि दोस्तों जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान अच्छे इंसान के साथ बुरा कभी नहीं करते, लेकिन एक बात तो है, जो पूरा करते हैं उनको भले ही कुछ अच्छा फल क्यों न मिल जाए, लेकिन उसको अपने करने की सजा एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और यह दिव्य शक्ति आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियाँ देखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह देवी कौन दे दी है और इसके साथ कौन कौन शक्तियाँ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी जिंदगी में कैसे प्रवेश करेगी, आपके घर में कैसे अपना आशीर्वाद की कृपा बरसाएंगे दोस्तों, और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, तो उसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ऐसे होते हैं हमारा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन वह बहुत ही पछताएंगे जो हमारा वीडियो को मजाक समझकर इसे छोड़ देंगे। यह मजाक नहीं, बहुत ही गहरी शुद्ध बुद्ध के साथ यह वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके साथ एक दिन अवश्य अच्छा होता है, इसीलिए दोस्तों आप सभी को हम पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन भगवान पर तो भरोसा अवश्य ही होगा। कोई ऐसा इंसान नहीं जो भगवान पर विश्वास न करता हो, धरती में बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन उसे भी विश्वास हो ही जाता है, क्योंकि माता रानी उनको कई परेशानियों से, कई घटनाओं से बचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तब उनको जाकर पता चलता है कि सच में भगवान होते हैं और हमारे मदद भी करते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इन तीन बड़ी दिव्य शक्तियों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त करने हैं, तो आपको पहले इन्हें पहचानना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक खास बात यह बता दें कि दिव्य शक्तियाँ का किसी के सामने सीधे प्रकट नहीं हो जाती है, इन्हें बचाना पड़ता है, और पहचानेंगे इन्हें कैसे कि इन दिव्य शक्तियों के कुछ खास संकेत होती है, और खास संकेतों को जब आप पहचानेंगे तभी आप यह जान पाएंगे कि यह कौन सी बड़ी दिव्य शक्तियाँ हैं, और फिर आप इनसे कुछ विशेष लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे, अपने जीवन के हर एक कष्ट को आप गाड़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनके साथ होता है दिव्य शक्तियों का वरदान और उनका प्रेम और आशीर्वाद। बाद अब आप भी ऐसे ही खास इंसान बन चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, वे बेहद ही गुप्त हैं, और इतनी आसानी से लोग इन बातों के बारे में न तो किसी को बताते हैं और न ही इतना अधिक ध्यान रखते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ आपके लिए बेहतरीन ज्ञान का खजाना लेकर आते हैं। यदि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा।
पहले जैसा नहीं रहेगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। एक बार हमारी कहने से आप इस वीडियो को देखिए और हमें पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, निश्चित तौर पर आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जो भी बातें आगे हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, ये इतनी आसान बात नहीं है और हम यूं ही इन बातों को नहीं बता रहे हैं। हम इन बातों के आपको मजबूत सबूत देंगे, पूरे सबूतों के साथ हम आपको इन बातों को समझाएंगे और इनकी गहराई भी आपको बताएंगे और इन बातों से आप लाभ कैसे ले पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे भी हम आपको विस्तार से समझाया कि जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है, इस समय आप थोड़े से परेशान चल रहे हैं, लेकिन आपकी यह परेशानी कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना दुख हर जगह नहीं रोते हैं, अपने आंसू किसी के सामने नहीं बहाते हैं। अकेले में चाहे आप अपनी तकलीफ और अपने आंसू कितने ही बहाने, लेकिन लोगों के सामने आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसकी वजह से लोगों को अक्सर यह गलतफहमी हो जाती है कि आपके जीवन में कोई तकलीफ कोई कष्ट ही नहीं है, और इसी वजह से आपके दिल की सच्चाई कोई समझ नहीं पाता है। हालांकि कभी कभार आप अपनों को बताने की कोशिश अवश्य करते हैं, लेकिन वह भी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों आपके मन में अक्सर यह उसने उठता है कि काश कोई ऐसा होता जो आपके दिल को समझ पाता, आपके दिल की हर एक उथल पुथल को समझ पाता और आपको हिम्मत बता पाता। दोस्तों आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ज्यादा मदद की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी हिम्मत बढ़ जाए, आपका मनोबल ऊंचा बना रहे, इतने में ही आप इस दुनिया को जीतने का दम रखते हैं। लेकिन आपकी बदकिस्मती यह है कि ऐसा कोई इंसान आपके आसपास नहीं है जो आपकी भावनाओं की सही कद्र कर सके। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक सवाल का जवाब भी आपको प्राप्त हो। तो अब आपके सारे सवालों के जवाब देने का समय आ गया है, चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हम चाहेंगे कि आप कमेंट ने पूरे भक्तिभाव से मई को याद करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो माँ को याद करें और पूरे भाव के साथ लिख डालें, जय माँ काली कृपा करो, एक बार नहीं तीन बार लिखना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए, हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब का, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माँ के परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपका हर एक कष्ट हमारा कष्ट है और मायूस कष्ट को दूर करने के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करेंगी, अपनी आशीर्वाद कृपा और प्रेम आपको देगी, क्योंकि परिवार के सदस्य की तो पहले सुनी जाती है, नाम है, बस आपकी पहले सुनी जाएगी। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब ध्यान से समझें, जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास आती है तो आपके जीवन में कुछ जरूरी परिवर्तन आने लगते हैं। असल में यह दिव्य शक्ति आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, और जब आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों याद रखना, हम पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपके साथ हमेशा दो शरीर रहते हैं, एक तो आपका यह भौतिक शरीर और एक आपका सूक्ष्म शरीर। ऐसे तो सात शरीर होते हैं, जो हमारा हिंदू धर्म है वह सात शरीरों के बारे में बताता है, लेकिन मूल रूप से आपके साथ दो ही शरीर होते हैं
और जिनका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो भौतिक शरीर जो आपको दिख रहा है और एक सूक्ष्म शरीर जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके इस भौतिक शरीर के एक फुट के दायरे में, यानी कि इसकी भौतिक शरीर से एक फुट के दायरे में चारों तरफ आप उस शरीर को महसूस कर सकते हैं। इसे ही आपका तेज कहा जाता है। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं या भगवान की तस्वीरों में एक आसपास पीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र देखा होगा, इसे सूक्ष्म शरीर ही कहते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में इन्हें तेजस्वी कहते हैं। तो दोस्तों, अब जब कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास आएगी तो वह आपके सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालेगी। इससे आपके विचारों की शक्ति बढ़ जाएगी। आप जो फैसले लेंगे वह सही साबित होने लगेंगे। आपके द्वारा कही गई बात सही बात हो जाएगी और आप भविष्य का भी सही अनुमान लगाने लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कोई एक इंसान जरा सी एक चाय की दुकान शुरू करता है? छोटी सी चाय की दुकान ही तो है, तमाम लोग दुकान खोल कर बैठी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिन तक तो सामान्य तौर पर चाय भेजते रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उनका व्याप तेजी से तरक्की करने लगता है, उनका लिया हर एक फैसला सही फैसला साबित होता है और उन्हें तरक्की की राह पर आगे ले जाता है और देखते ही देखते बहुत आगे निकल जाते हैं, लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। जरा सी चाय की दुकान उनको भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी देती है। उनका नाम और पैसा बढ़ता ही चला जाता है। जब लोग ऐसा होते हुए देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यह बड़ा ही भाग्यशाली इंसान है। जी हाँ दोस्तों, भाग्यशाली तो वह ही, लेकिन एक और खास बात उसमें अलग है। दूसरों से वह अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन पर, अपने विचारों में आ रहे परिवर्तनों पर बुरी नजर रखता है। और ऐसा नहीं है कि यह उसके जीवन नहीं हो रहा है, हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है। दिव्य शक्तियों का साथ इंसान को प्राप्त होता है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में इसे, चाहे उनकी मूर्खता का है या फिर उनकी अनभिज्ञता कहीं, अज्ञानता कहीं, उन व्यक्तियों के संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और जहां के तहां पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन संकेतों को पकड़ लेती हैं और फिर तरक्की करते चले जाते हैं। शक्तियां उनका हाथ पकड़ कर खींच कर उन्हें आगे ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़ी दिव्य शक्तियों ने आप कहा, अब आपको संकेत पहचान में होंगे और वे संकेत वैचारिक होंगे। दोस्तों, कोई सामने से आकर बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा और उन्हें आपको पहचान नहीं होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जी हाँ दोस्तों, टैप्स अभियान से सारी बातें सुनी हम आपको बताने जा रहे हैं, हर एक बात पूरी गहराई के साथ। और आपने इन बातों को नहीं समझा तो आप अपने जीवन की सबसे महान भूल कर बैठेंगे। दोस्तों, हम आपको फिर से कहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन की हम बात करने जा रहे हैं, आपके जीवन में घट रही घटनाओं को और आपके जीवन में आ रहे परिवर्तनों को बताने जा रहे हैं। तो बस ध्यान से सुनिए हर एक बात को और अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता है। दोस्त, वैसे तो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियाँ दे चुके हैं, जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं, ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय होती है। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इन कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात, हमने आपको यह बताइए कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल तभी खुलेगा जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेगी।
यदि आप थोड़े से भी आधार में कहूंगी और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं घर घर जाएंगे। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है। आपके जीवन में लगातार का कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य न करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुने दोस्तों ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, दोस्तों, ईश्वर ने आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है जो सबके लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। दोस्तों, जहां दुनिया में लोग दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वहीं आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसकी कष्ट दूर हो जाए। चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करनी पड़े, और कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं। दोस्तों, हम आपको फिर से कहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन की हम बात करने जा रहे हैं। आपके जीवन में घट रही घटनाओं को और आपके जीवन में आ रहे परिवर्तनों को बताने जा रहे हैं, तो बस ध्यान से सुनिए हर एक बात को और अपने जीवन को बदल डाली। दोस्तों, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता है। दोस्तों, वैसे तो हम अपनी पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं, ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय होती है। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इन कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात, हमने आपको यह बताई है कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल तभी खुलेगा जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेगी। यदि आप थोड़े से भी आधार में कहूंगी और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं घर घर जाएंगे। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है। आपके जीवन में लगातार का कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य न करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुने दोस्तों ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, दोस्तों, ईश्वर ने आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है जो सबके लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। दोस्तों, जहां दुनिया में लोग दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वहीं आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं
और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसकी कष्ट दूर हो जाए। चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करनी पड़े, और कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, वहीं मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो यह तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली है। यह दोस्तों, आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकती है। शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, अनुभव की है। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किया और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधे लंका पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई है। दोस्तों, आपकी दिव्य शक्तियाँ अभी जागृत नहीं हो पाई है, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अनभिज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम एक एक करके आपके अंदर छुपे हुए तीन दिव्य शक्तियाँ, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है, इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यहाँ मतलब यह नहीं है, है कि आपकी अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई है, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती है, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती है। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियाँ अति शक्तिशाली हो जाती है। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है आंशिक शक्तियाँ हैं, तो उनके संकेत भी बड़ी ही सोच में होंगे, बड़े ही धीमे होंगे। तो उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। दोस्त, तो ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले शक्ति, दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष भी शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब यह कैसे होता है, आप समझिए। अपने जीवन में आप विचार करके देखिए, पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है,
अपने मन में ही कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती है कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है, जिसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। यह दोस्तों आप विचार करके देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है या आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है। दोस्तों हर प्रकार की बात आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है। यह आपके अंदर एक विशेष है, ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और यकीन मानिए कि आपने अपनी छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोले, उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है। मान लो कि आपसे कुछ मांगना चाहता है, तो आप उसी प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेती है किसको क्या जवाब देंगे, और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप उसी प्रकार उसे जवाब दे देते हैं। इस प्रकार आपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ पथराव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आगे आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं, इस दिव्य शक्ति को आगे भी आने वाली दूर व्यक्तियों को आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करेंगे आप तो आपकी यह शक्तियाँ और भी प्रबल होती चली जाएंगी और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह का यह किसी के दिमाग को पढ़ने ने जैसा होगा। या दोस्तों तो बड़ी ही अद्भुत और रोचक जानकारी है। वीडियो में बस बनी रहे और अपनी ही बारे में कुछ अद्भुत कुछ अनोखा जानते चले जाएं, तो ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी शक्ति और यह अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। इस शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है, आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहना आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है, और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता न करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा, और उसका कार्य पर भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है, पहले से ही था कि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह वर्ष आपके मन से अनायास ही निकल गया, लेकिन दोस्तों यह आपके अंदर छुपी हुई थी भी सकती है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला यह दोस्तों, खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभ चिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा था जिसे आप समझ पाते हैं, लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ न कुछ परेशानी आने वाली है, और थे होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और दोस्तों हम आपको यकीन से कहते हैं कि आपके जीवन में एक बार नहीं
यह घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। आप कमेंट करके बताना कि हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं। आगे हम आपको बता रहे हैं, आपके अंदर छुपी हुई थी सही सबसे बड़ी दिव्य शक्ति। जी दोस्तों, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं, और ये ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। समझ अर्चना उनके बस की बात नहीं है। इसी वजह से आपकी इस शक्ति की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह शक्ति? उस शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षण की शक्ति। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि लोग आपको देखकर भूल नहीं सकते हैं, जो आपसे एक बार आंखें मिला लें का वह आपके बारे में निश्चित तौर पर एक के पीछे अवश्य सूची का। आपसे जो एक बार बात कर लेगा वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। यह आपके अंदर आकर्षण की शक्ति है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है। प्रेम की शक्ति से लोग अनायास ही जोड़ने का प्रयास करती है, फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। और आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में बल्कि जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी हैं और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा दी है कि आप इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा, कहीं आप इन्हें मार लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपने मारने वाली नहीं है क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।